दिखाई मेहमान दिखाई इनको। बलून फ्रूट का ठेका किसके पास है? दादाबू के पास। और शरबत का ठेका हमारे पास है। तो चले हम बना रहे हैं शरबत। हमने ले आए अपनी बोतल जिसमें बनाएंगे। ले आए हम क्या? ए रहा बेबी सब बोलो माशाल्लाह। क्या बनाया अबू बताए फिर? मैंने कीमा बताया। दही है हमारे पास, पराठे हैं हमारे पास, चाय है हमारे पास, रोटी है, चटनी है, मलाई है। आजा भाई आजा, बाहर नहीं आ रही बाहर। बेइज्जती करा रही है हमारी ये। ये देखो बेइज्जती करा रही है, बेइज्जती करा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आ गए, उठ गए, सहरी का टाइम हो गया है। तो चले सहरी करते हैं। पहले उठ गए, ताजुद वगैरह पड़ी है। अब जो है सहरी का टाइम हो गया, सहरी करने जाते हैं। तो चले सहरी में क्या बन गया? सहरी में, सहरी के लिए जी आई बैठे सहरी के लिए। सहरी में आज बन गए हमारे पास कीमा मटर बनाए हमने, और साथ में जी एक मिनट आपको बैग से दिखाते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लगा दें ऑल पे। चलिए आपको दिखाते हैं, फिर फटाफट सहरी करते हैं। टाइम क्या होगा? पौने पाँच ही हो रहे हैं भाई। तो सहरी के लिए हमने जी बना दिए कीमा मटर। कीमा मटर आलू कीमा का अबू, इसमें आलू का है अबू? अबू आलू का है इसमें? क्या क्या बनाया अबू बताएं फिर? मटर कीमा बताया। दही है हमारे पास, पराठे हैं हमारे पास, चाय है हमारे पास, रोटी है, चटनी है, मलाई है। दही है, रोटी है, चटनी है, दही है, मलाई नहीं है अबू, मलाई नहीं है, ये भी दही है अबू, दही है। अच्छा मलाई बोल दो कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें सहरी करते हैं, तो फिर आपसे सहरी के बाद बात करते हैं। ली सहरी कर ली है, और अब जो है नमाज की वेट कर रहे हैं। अभी अजानें होने वाली, अजानों का टाइम करीब करीब ही है। और अब जो है अजानें होती है तो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर तो तिलावत वगैरह कर लेंगे। उसके बाद फिर आज 23 मार्च है तो छुट्टी है काम की, थोड़ा फिर सो जाएंगे। उसके बाद दोबारा सो जाएंगे उसके बाद। लेकिन अभी अबू बकर सो रहे हैं मलंग, और अनाबिया भी आपको दिखाता हूँ मैं। अनाबिया भी सो रही हैं। अनाबिया का आपको जिससे बोला कि उसकी तबीयत कुछ सही नहीं, फिलहाल उसको नहीं, फिर सुबह जो इसको खोजे रखेंगे। तो नमाज पढ़ ली है, और अब हम सोच रहे हैं थोड़ी तिलावत कर लेते हैं। रमज़ान है तो रमज़ान की सारी रहमतें तो लूटनी है ना, तो अभी तिलावत कर लेते हैं थोड़ी, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो सो गए थे अभी उठे, और अभी जो है बाहर लगी हुई है बारिश। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल होगा? बाहर लगी हुई है बारिश, और अगर आपको दिखाऊं मैं नीचे, देख सकते हैं आप नीचे। पापा मोबाइल ना कर जा आराम से। बारिश लगी है बाहर, और बादल भी गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। रमज़ान का रहमत का अशरा, और रहमत के अशरे में बारिश बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है। तो अभी जो है बारिश लगी है, बारिश इंजॉय करने का दिल भी कर रहा है, लेकिन फिर सर्दी भी हो रही है। मौसम ऐसे ना ठंड महसूस हो जाती है बारिश के बाद। तो मैं तो इंजॉय कर भी ली हूं। क्या कर रही हो? इंजॉय भी कर रही हूं मैं तो। अंदर अंदर आ जाओ, बारिश बीमार हो जाओगे, आपको पहले बुखार था ना। चले अंदर चले बारिश इंजॉय थोड़ी थोड़ी करते हैं बैठ के दूर से। तो बारिश अभी भी लगी हुई है, नॉर्मल ही है, इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन रहमत के अशरे में रहमत बरस रही है। तो आज से रहमत का अशरा स्टार्ट हुआ, और रहमत बरस रही है। हाय, क्या हुआ? बारिश एंजॉय कर रहे हैं आप? नहीं एंजॉय कर रहे? क्यों? आने नहीं देती। हाँ बाहर आप नहीं, बीमार हो जाओगे। सर्दियों की बारिश है ना, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं है, सर्दी गर्मी मिक्स है। अगर आप बारिश में ना आओगे तो बीमार हो जाओगे ना, इसलिए बच्चों को एहतियात कर रहे हैं। और नहीं जाओ अंदर वापस, जाओ चलो अंदर, चलो चलो। इंजॉय कर रहे हैं बारिश, मज़ा भी आ रहा है थोड़ा। बारिश गिर रही है आंखों पे ना, तो चलिए थोड़ी बारिश इंजॉय करते हैं। लगी हुई है रहमत के इशरे में, लगे तो रहमत बस गई, रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। और चलें फिर बात करते हैं आपसे दोबारा। ओ बारिश लगी हुई है, और अभी कुछ कम हुई है बारिश। हाँ ना भैया, कुछ कम हुई है बारिश? आप बताओ अबू बकर, बारिश कम हुई है?
और अब जो इंतजाम में हो गया किसका, नमाज पढ़ने का। अब होते असर उसकी जोहर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे तिलावत। आप लोग भी कपड़े चेंज करो, नमाज पढ़ो, शाबाश। रोज़ा तो आपने हाँ बाग पढ़ेंगे ना रोज़ों में, रमज़ान में सब कुछ करते हैं, तिलावत ये वो जितने भी नेक काम है, बहुत सारे नेक काम करते हैं रमज़ान के अलावा भी करते हैं, रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलते हैं चीज़ों का। तिलावत तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, हम आज फिरते में करूँगी। अभी आप कपड़े वपड़े चेंज करो, नमाज की तैयारी आप भी करो, बकरी नमाज की तैयारी करो। चिड़िया गीली होगी, चलिए उठते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो हमने नमाज पढ़ ली है और सबने तिलावत भी कर ली है और बाहर जो है अफ्तारी की तैयारी का काम शुरू हो गया है। हम भी जा रहे हैं कुछ पकौड़ों के लिए सामान, तेल वगैरह जो वो लेके आने, वो लेके आते हैं, कुछ काम थोड़ा बहुत रह गया था ना। और भी बाहर जो है चने वगैरह मेरे ख्याल से रख दिए, बॉयल हो गए चने, चने 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 ए गए गए गए, आ जाओ भैया आ जाओ, ये चने बॉयल हो गए और अभी बाकी तैयारी अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि टाइम जो है 4:30-4:15 होने वाले हैं, तो बस अब तैयारी जो है अफ्तारी की शुरू हो जाएगी। वो वापस आ गए सामान वगैरह लेके और अभी जो है दबादब पकौड़ों की तैयारी चल रही है, पकौड़े की तैयारी चल रही है, आपको दिखाते हैं सफर करो। तो देखिए आप पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है, पकौड़ों के लिए सामान तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो है हमने आपको पहले बताया, जैसे वाइट चने हमने बॉयल कर दिए, फ्रूट भी कुछ आ गया है, देखिए पकौड़े बनेंगे, वाइट चने तैयार हुए हैं, पकौड़ों का समय अफ्तारी चल रही है, क्या खरबूजा खरबूजा आ गया, पकौड़ों के सामान। इसके अलावा वहाँ सालन भी बन रहे हैं और रुके आपको दिखाते हैं और क्या और क्या और हाँ इसमें ये देखो सालन बन रहा है, ये सालन बन रहा है और इसमें भी कुछ है, इसमें क्या है, इसको भी खोलना पड़ेगा। उसमें जो है मेरे गलती सफ़ेद चने थे, मटर की में वो तो मटर की में ना, इसमें सफ़ेद चने थे, इसमें काले चने भी साथ में बॉयल हुए हैं, बिल्कुल खुलेंगे। तो ये देखिए अब जो है आलू वाले पकौड़ों के लिए भी सामान तैयार हो रहा है, आलू कट रहे हैं, हाथ बचा के, हाँ मैंने बोला था ना भी हाथ बचा के, मैंने यही बोला था आपको हाथ बचा के, मुझे पता था ना ये बड़ा ख़तरनाक होता है, एहतियात लाजिम है भाई। देखे सही कट रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। अब हम आ गए हैं किसके पास, बीरा बेबी के पास, इधर है ज्योति जी, मुन्नी ने स्कार्फ पहन लिया है, वाह भाई वाह, कितनी पाली लगी तो? मेरी जो गोलू मोलू कितनी पाली लग रही है, कितनी पाली पाली लग रही है, क्या लग रही है पाली, कितनी पाली, ए हा बेबी बंद कर दो, ए हा बेबी प्यारी लग रही है, सब बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह ताला सबको बुलाओ पापा, सबको बुलाओ भाई, बहुत प्यारी लग रही है बेबी। अब टाइम हो गया असर की नमाज पढ़ने का, इले बेबी मुँह निकलते हैं। अच्छा बेबी का पहला रमजान, हाँ रमजान में इस्तिगफार पे लिया, हाँ हाँ क्या हुआ। तो अफ्तारी की तैयारी चल रही है, तो पकौड़े बन रहे हैं और यहाँ बन रही है काली चने की चाट, एक चने बॉईल कर लिए हमने, पानी आप देख चुके हैं काले चने का पानी, ये चने की चाट बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, कुछ पकौड़े निकल भी गए हैं। हाँ आओ 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 बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना आपने, पापड़ी खाऊंगा मैं तो, पापड़ी खाओगे आप, काले चने की चाट के लिए जो है सामान वगैरह देखे बाकी ऑलरेडी, वाह वाह ये देखें, ये देखें सारा सामान, इसके अलावा खरबूजा हमारा, खरबूज इसके बगैर रोज़ा नहीं खुलता। तो चलें हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उस समय फिर दोबारा आपसे अफ्तारी बनती है, हम शरबत बनाएंगे तो शरबत में कर हम शरबत की बनाने की तैयारी भी करते हैं। नमाज पढ़ लिए और अब जो है अब वो अपना काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप, फ्रूट काट रहे हैं, फ्रूट काट रहे हैं भैया, अच्छा फ्रूट काटने का जो ठेका इस महीने का, एक महीने का ठेका अब्बू को वाटर मिलने इसके बाद कटेगा ना, फ्रूट कटने का जो ठेका है वो अब्बू को मिला हुआ है, शरबत का ठेका किसके पास है, हमारे पास है, फ्रूट का ठेका किसके पास है, दादाबू के पास, और शरबत का ठेका हमारे पास है। तो चले हम बना रहे हैं शरबत, हमने ले आए अपनी बोतल जिसमें बनाएंगे, ले आए हम क्या स्ट्रॉबेरी पल्प भी ले आए हैं और हमारे पास हमारे टैंक्स टैंक भी ले आए हैं, चीनी भी ले आए हैं। तो चले ये बता दिया पानी, बता पानी बता दिया, आप बताओ शायद जम भी बताओ, शरबत का ठेका किसके पास है, हमारे पास, और फ्रूट का ठेका किसके पास है, दादाबू के पास। दादाबू फ्रूट काट रहे हैं, हम शरबत बनाते हैं और टाइम तकरीबन आधा घंटा रहेगी, आधा घंटा रहेगी। चले अबू बकर, अबू बकर आप चालू से हेल्प करें, सामान वहाँ पहुँचाएँ, ठीक है।
फाइनली अफ्तारी तैयार हो गई है, तकरीबन 10 मिनट रह गए अफ्तारी होने में, और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं अफ्तारी क्या क्या तैयार किया। पकौड़े और आलू के पकौड़े, वाइट चने की चाट, ब्लैक चने की चाट, इसके अलावा और क्या था, और क्या था? तो देखें, हमने बना ली काले चने की चाट, पकौड़े, इसके अलावा ये क्या, हाँ फ्रूट, आलू के पकौड़े, वाइट चने की चाट और चटनी, इसके अलावा जो है शरबत। तो चले अफ्तारी, हम अफ्तारी करते हैं, करें अफ्तारी ना भैया, स्टार्ट करें। अफ्तारी बन गई है, अफ्तारी बन गई है, फिर दुआ वगैरह करते हैं, फिर अफ्तारी करते हैं। तो चले अफ्तारी की दुआ करते हैं, चले अभी दुआ करें, पहले दुआ करें। तो अफ्तारी के लिए हमारे पास जो है कौन आया हुआ है, ओ कौन सी बेबी आ गई भाई, कौन सी बेबी है, बीरा बेबी, बीरा बेबी भी अफ्तारी करेगी। हाँ तो चले हम भी अफ्तारी करते हैं। तो फाइनली अफ्तारी कर ली है, अब मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद चाट वगैरह, चना चाट, काली चाट, सब चाट जो चाट है उसके बाद खाते हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद चले अब जो है चाट वगैरह खाते हैं, नमाज पढ़ ली है। पहले हम खाएंगे भाई कौन सी चाट, ब्लैक चाट, ब्लैक चाट, काले चने की चाट, इंग्लिश में बोलने थोड़ा ना ब्लैक चाट, वाइट भी चेक करते हैं, वाइट भी खाते हैं, पहले ब्लैक चाट खाए, अब वाइट चाट खाएंगे, वाइट वाली ऐसा नहीं भाई, पहले हमने खाई ब्लैक चाट, अब हम खाएंगे वाइट चाट, ये क्या है, ये फ्रूट चाट, चाट ही चाट है, फ्रूट चाट, ब्लैक चाट, काली चाट, सफेद चाट, चने की चाट, कौन सी चाट, बस खाते रहो, पेट में जा रही है ना, बस सही है। तो ये हमारी सफ़ेद चने की चाट, मतलब वाइट चाट, ये हमारी काले चने की चाट, ब्लैक चाट, ये होगी ये फ्रूट की चाट, फ्रूट चाट, फलों की चाट भाई। हाँ, और देखिए सफ़ेद चने की चाट के ऊपर हम लगा रहे हैं आलू बखारे की चाटनी, मिक्स कर रहे हैं चाटनी। आजा भाई, आजा बाहर, नहीं आ रही बाहर, बेस्ती करा रही है हमारी, ये देखो बेस्ती करा रही है, बेस्ती करा रही है, बेस्ती करा रही है, छोड़ दो भाई, मैं खा के देखता हूँ ये चीज़। यही हम आए तरावी पढ़ के आ गए, और नींद आ रही है बहुत शदीद किस्म की, अभी तरावी पढ़ते हुए भी आँखें बिल्कुल जो है ना बंद हो रही थी, तो अफ्तारी में खा लिया बहुत कुछ। हाँ दिखाता हूँ आपको भी, अभी अफ्तारी में खा लिया बहुत कुछ, तो पेट में भी दर्द हो रहा है, अबू बकर को भी नींद आ रही है, नाटक वाली नींद, ये दो नंबर नींद है, ये दो नंबर नींद है अबू बकर की। तो अच्छा जी, हमारे घर पे एक मेहमान आया हुआ है, नन्हे मेहमान आया हुआ हमारे घर पे, दिखाएं मेहमान, दिखाएं इनको, बलून नीचे से शरीर ही नहीं है, ऊपर से मुंह है, अगर चश्मा पहना हुआ है तो हंसने की गाली नहीं है। तो चले यार ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे, कल मिलेंगे नई वीडियो में, हर एक चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो करते लाइक, बेल आइकन लगा रे, इसको बोलो, बोले ना गाइस, कल मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।